और आप जानते हैं कि जब बारी छुपे रुस्तम की आती है तो हम बड़ा सोचते समझते हैं। माँ के इस एपिसोड के जब छुपे रुस्तम की बात चली तो मुझे लगा कि माँ के एपिसोड पे हमें उसे लाना चाहिए जो स्वयं माँ हो। क्या बात है। कहते हैं बच्चा पैदा होता है, लेकिन जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त स्वयं एक माँ भी पैदा होती है। क्या बात है शैलेश भाई, क्या बात है। और एक माँ से उसके भावों को सुनना शायद एक बड़ी खूबसूरत मिसाल होगी आज के इस एपिसोड में। तो हमारे आज की छुपे रुस्तम है दिल्ली की एक बेहद प्रतिभाशाली कलम ऋतु गोयल। आप सभी को सबसे पहले मैं मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। और यहाँ जो आज कविता का विशेष तौर पे माँ की कविताओं का माहौल बना हुआ है, इस हवन कुंड में कुछ अपने भी शब्दों की आहुति देना चाहूंगी। स्वागत। कि तेरी जैसी मैं दिखूं ये मेरी पहचान, तेरी जैसी मैं दिखी ये मेरी पहचान, हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहान, हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहान। और कुछ तो मीठा चूरमा और कुछ मीठा है हाथ। वाह। माँ बेटी यूं घुल रही घी शक्कर जो साथ। क्या बात है। बेटी यूं घुल रही घी शक्कर जो साथ। सदा छिपाती ही रही सबसे अपनी पीर, हर कड़वाहट दूर कर स्वाद पकाती खीर। क्या बात है। स्वाद पकाती खीर। माने जीवन भर करी अपनी माँ की बात, माने जीवन भर करी अपनी माँ की बात। अब मैं उसकी बात को याद करूं दिन रात। और खुशबू माँ के जिस्म की ममता के संवाद, मैं हिरणी सी हो गई माँ कस्तूरी याद। क्या बात है। और जब से माँ तुम रूठ कर चली गई हो दूर, क्या बात है, मैं तन मन से यूं जलूं जैसे जले कपूर। तेरी जैसी मैं दिखूं ये मेरी पहचान, हस्ताक्षर तेरा कहे मुझको सकल जहां, मुझको सकल जहां। ऋतु, एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा। माँ और पिता दोनों ही रिश्ते हमारे जीवन के लिए अनमोल रिश्ते हैं, और इतने बेटों ने आज यहाँ माँ की बात कही है, तो मैं चाहता हूँ एक बेटी अगर पिता के बारे में बात कहे तो क्या क्या कहते हैं आप लोग? सुना। ये बात शैलेश जी आप सही कह रहे हैं कि बेटे जो होते हैं माँ को ज़्यादा प्यारे होते हैं, और यह सच है कि बेटियाँ पिता को ज़्यादा प्यारी होती है, पिता बेटियों को ज़्यादा प्यारे होते हैं। और एक बेटी होने के नाते मैंने पिता के प्यार में पिता को समझते हुए एक कविता लिखी है। स्वागत। सुना। जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, घर के दरवाजे पर नजर बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं। क्या बात। ऐसे क्या होते हैं पिता। वाह। बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकन के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं। रात का क्या बात है। वाह वाह वाह। और पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की दवाई, परवास पर होते हैं घर भर के सपने, पिता कब होते हैं खुद के अपने। और जब सांस चले लौटते हैं घर को, माँ की चूड़ियाँ खनकती है, नन्ही गुड़िया चहकती है, सबके सपने साकार होते हैं, पिता उस समय अवतार होते हैं। जवान बेटियाँ बदनाम होने से डरती है, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है, दरअसल भय हया संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबा का ताला है पिता। हाय 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 हाय। भाई क्या बात है। तो हाँ सच है, हाँ सच है, माँ संवेदना है पिता कथा, माँ आंसू है पिता व्यथा, माँ प्यार है पिता संस्कार, माँ दुलार है पिता व्यवहार, दरअसल पिता वो है जो जो माँ नहीं है। आहा, क्या बात है। दरअसल पिता क्या बात है, जो जो माँ नहीं है, माँ जमी पिता आसमा, ये बात कितनी सही है, ये बात कितनी सही है। क्या बात है। हाँ हाँ, पिता वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान कर तना होता है, पिता ना हो तो घर कितना अनमना होता है, पिता ना हो तो घर कितना अनमना होता है। कविता की अंतिम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। हाँ
पिता हो तो घर स्वर्ग होता है, पिता ना हो तो उनकी स्मृतियां भी अपना फर्ज निभाती हैं, पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत साल पहले अशोकनगर के एक कवि सम्मेलन में ऋतु को मैंने एक बहुत छोटी सी कविता पढ़ते देखा था। वहां से लेके आज यहाँ एक छुपे रुस्तम की दौड़ और यहाँ से लेके कल शिखर तक पहुंचने का साहस ये उनके पास है, मैं जानता हूँ। और हम एक स्मृति चिन्ह देके आपको यहाँ से विदा करना चाहते हैं कि सफलता की नई राह आपके लिए इंतजार कर रही है। ऋतु को कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है।